खुश हुआ। जी हाँ, ये फेमस डायलॉग तो आप सभी को याद होगा और आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं अपने इस खास प्रोग्राम में आखिरकार किस बॉलीवुड के विलन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी के लिए खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में विलन बनकर सबके दिलों पर राज करने वाले एक्टर अमरीश पुरी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अमरीश पुरी अब भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी उनकी फिल्मों को, उनके बेहतरीन डायलॉग्स को और जिस तरीके से वो विलन बनकर फिल्मों में कमाल करते थे वो आज भी सबको याद आता है। और आज हम आपको अमरीश पुरी के कुछ ऐसे किस्सों से आप सभी को रूबरू करवाने वाले हैं जिससे यकीनन अगर आप भी सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसे किस्से जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते और साथ ही साथ उनकी फिल्मों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और किस तरीके से उनका बॉलीवुड करियर धीरे धीरे बढ़ता चला गया था और वो किस तरीके से बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार अमरीश पुरी ने बॉलीवुड को कितनी मजेदार और हिट फिल्में दी हैं। 22 जून 1932 यानी कि 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अमरीश पुरी अपनी ऊंची कद काठी और बुलंद आवाज के बल पर सबसे आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थी। उनका कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी फिल्में तो आकर चली जाती थीं, मगर उनका किरदार दर्शकों को बरसों तक याद रहता था। अमरीश पुरी अक्सर कहा करते थे कि वो लवेबल विलन है। जी हाँ, अमरीश पुरी ने बॉलीवुड में विलन बनकर सबके दिलों पर राज किया है। 1954 में उन्होंने फिल्म में किस्मत आजमाने की कोशिश की थी लेकिन फिल्म निर्माताओं ने क्रूड एंड हार्श फेस कहकर उन्हें ठुकरा दिया था। अमरीश पुरी ने थिएटर कर तथा विज्ञापनों में अपनी आवाज देकर अपना संघर्ष जारी रखा था और उनके इतने संघर्ष के बाद ही शायद अमरीश पुरी की मेहनत रंग लाई और वो तभी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर कहलाए जाते थे। इसी के साथ आपको बता दें 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी ब्रेन हैमरेज की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, अमरीश पुरी को ब्रेन हैमरेज हो गया था जिसके बाद से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे अमरीश पुरी की दमदार लुक्स पर जिन्हें देखकर आज भी लोग कांपते हैं। यहाँ दरअसल साल 1984 में आई हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जॉनस एंड द टेंपल ऑफ धूम अमरीश पुरी नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने यादगार मोला राम का किरदार निभाया था जिसके बाद से उन्हें कहीं ना कहीं पहचान मिलना शुरू हुई थी। वहीं आपको बता दे सुपरहिट फिल्म नागिन जो 1986 में आई थी। साल 1986 में आई सुपरहिट फिल्म नागिन में अमरीश पुरी के बाबा भैरवनाथ के किरदार से तो सभी वाकिफ ही हैं। इस फिल्म में अमरीश ने एक सपेरे का बहुत दमदार रोल निभाया था। फिल्म में अमरीश पुरी ने नागिन बनी श्रीदेवी के साथ अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। फिल्म में अमरीश ने ही श्रीदेवी के अंदर समाई नागिन को डरा डरा कर निकाला था और आज भी अमरीश पुरी का ये रूप लोगों को याद आता है। लोगों के जहन में आज भी अमरीश पुरी की फिल्म नागिन बसी हुई है। तो वहीं अगली फिल्म के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दें अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था लेकिन आज भी उनको साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से ही जाना जाता है। जी हाँ, फिल्म में उनका काफी फेमस डायलॉग भी था, मोगेम्बो खुश हुआ, जिसके बाद से अमरीश पुरी इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा।
तो वहीं अमरीश पुरी ने धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में इतनी पहचान बना ली कि हर फिल्म में उन्हें विलन बनाया जाने लगा। साल 1992 में फिल्म तहलका में उनके जनरल डॉग्स वाले किरदार ने तो लोगों को डरा कर ही रख दिया था, और आज भी अमरीश पुरी का ये किरदार याद करते हुए लोग नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, राकेश रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन में भी अमरीश पुरी को बतौर विलन के रूप में देखा गया था। फिल्म में उन्होंने ठाकुर दुर्जन सिंह का जबरदस्त किरदार निभाया था, जिसके बाद से करण अर्जुन फिल्म में उनके रोल को काफी ज्यादा याद किया गया। आपको बता दें, करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज की गई थी, जिसके बाद से अमरीश पुरी का ये किरदार भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो वहीं अमरीश पुरी का एक और डायलॉग है जो आज के हर नौजवान की जुबा पर रटा हुआ है, जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी। जी हाँ, ये डायलॉग मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का है। ये फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने ज्यादा नेगेटिव रोल नहीं निभाया, लेकिन फिल्म में अमरीश पुरी का ये डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ था, और आज भी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस डायलॉग को लोग याद करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साल 1987 में आई फिल्म लोहा में अमरीश पुरी ने एक्टर धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की नाक में दम करके रखा हुआ था। फिल्म में अमरीश का रोल शेरा सिंह का था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। अमरीश पुरी का लुक काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन अमरीश पुरी की एक्टिंग ने लाखों लोगों को दीवाना कर दिया था, और आज भी अमरीश पुरी की फिल्म लोहा को फैंस याद करते हुए नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, फिल्म करण अर्जुन की बड़ी कामयाबी के बाद राकेश रोशन ने एक बार फिर साल 1997 में अमरीश पुरी और शाहरुख खान को लेकर फिल्म कोयला डायरेक्ट की। बता दें, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया था। फिल्म में अमरीश पुरी ने राजा साहब का किरदार निभाया था, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। वहीं हम आपको बता दें, एक से एक हिट फिल्म में काम करने वाले अमरीश पुरी को साल 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा में देखा गया था। इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े ही थे, लेकिन अमरीश पुरी के अशरफ अली वाले किरदार ने तो लोगों को पागल ही करके रख दिया था। जी हां, अमरीश पुरी ने कई बेहतरीन किरदार निभाए, लेकिन अमरीश पुरी के इस किरदार ने लोगों को सच में दीवाना बना के रख दिया था। वहीं आखिर में हम बात करेंगे फिल्म नायक के बारे में। जी हां, साल 2001 में आई फिल्म नायक में उनका बलराज चौहान वाला किरदार आखिरी सुपरहिट किरदार था। फिल्म में वो एक मुख्यमंत्री के रोल में थे। इस फिल्म को भी लोगों ने खूब सराहा था, साथ ही अमरीश पुरी की एक्टिंग के तो लोग कायल ही हो गए थे। आज भले ही अमरीश पुरी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा याद की जाएंगी। वो फिल्मों में बतौर विलन के रूप में देखे जाते थे, लेकिन असली जिंदगी में वो बेहद ही अच्छे इंसान थे, और आज वो हम सबके बीच में नहीं है, हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके अमरीश पुरी की फिल्में और उनकी फैन फॉलोइंग पहले जितनी ही है, आज भी अमरीश पुरी को फैंस याद करते हुए नजर आते हैं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से अमरीश पुरी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बॉलीवुड में विलन बनकर सबके दिलों पर राज कर दिया। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका फेमस डायलॉग, जिस तरीके से ये फेमस डायलॉग आज भी अमरीश पुरी का याद किया जाता है, आज भी लोग बच्चा बच्चा अपनी जुबान पर अमरीश पुरी का फेमस डायलॉग मुगैम्बो खुश हुआ को बोलता हुआ नजर आता है, तो वहीं आज भी अमरीश पुरी की फिल्मों को याद किया जाता है। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी ने जिस तरीके से बॉलीवुड में एक विलन का किरदार निभा के काफी ज्यादा हर किसी को चौंका दिया, तो वहीं आज भी
अमरीश पुरी जैसी एक्टिंग, अमरीश पुरी जिस तरीके से विलन का किरदार निभाते थे, आज बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो उनको टक्कर दे सके। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से ही विदा लेने का। लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।